Yo, what's up guys, this is Tabby Ansari and I'm back with another video. So guys, this is the bike check video. This is Saw Street Trials bike. It's 24 inch alloy version and this color is short blast blue in matte finish. And ये bike 2018-19 model है. तो मैंने ये purchase किया था 2018 के ending में. Almost मुझे 2 years हो गए हैं. ये bike specially street trials riding के लिए बनी है. तो काफ़ी lightweight होती है ये and बहुत ज़्यादा strong होती है. एंड इसका जो वेट है वो सिर्फ 10 kg है. एंड ये स्टॉक बाइक नहीं है, मैंने इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स को अपग्रेड किया है. सिमिलरली इसका जो फोक है वो भी 6061 एल्यूमिनियम से बना है, तो काफ़ी लाइट वेट है एंड उसके साथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्हील सेट है मेरा. यहाँ पे जो रिम है हमारा, ये 24 इंच का हाइपर डी बॉक्स का डबल वॉल रिम है. 38 mm इसमें विड्थ है. बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग व्हील है. फ्रंट टायर को मैंने यहाँ पर चेंज किया है और इसका साइज़ है 24x2.35 एंड ये वांडा किंग का टायर है. फ्रंट हब यहाँ पे हमें हाइपर डी बॉक्स की तरफ से मिलता है एंड ये सील्ड हब है एंड इसमें 15 mm थ्रू एक्सल है. 203 mm का G3 रोटर्स मैंने यहाँ पर अपग्रेड किया है. फ्रंट ब्रेक को मैंने यहाँ पर अपग्रेड किया है एंड ये शिमानो जी हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक है एंड ये 4 piston ब्रेक्स है, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल ब्रेक है. हैंडल बार की बात अगर करेंगे तो यहाँ पर हाइपर डी बॉक्स की तरफ से अगेन हमें हैंडल बार मिलता है एंड ये 6061 एल्यूमिनियम से बना है एंड ये एक हाई राइज बार है. ग्रिप्स यहाँ पे मैंने फ्लाई बाइक्स का यूज़ किया है और ये मैंने शार्पट्यून से परचेज़ किया था. अगर किसी को भी लेना है तो शार्पट्यून विजिट कर सकता है या फिर दीपक भाई को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. अगेन स्टेम यहाँ पे हमें हाइपर डी बॉक्स की तरफ से मिलता है एंड इसका लेंथ 90 mm का इसका लेंथ है एंड 35 degree इसका राइज है. इसकी स्पेशलिटी ये है कि जो हमारा फ्रंट होस होता है उसको हम थ्रू टॉप कैप कर सकते हैं, जिससे बार स्पिन या फिर फुट जैम विप करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है. केबल टर्न मुड़ते नहीं है. सीट को यहाँ पर मैंने कस्टमाइज़ किया है एंड इसके अंदर फोम ऐड किया है एंड उसके ऊपर एक लेदर है और उसको पूरा अच्छे से एक सीट बनाया है. ये प्लास्टिक सीट था पहले एंड अभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है. अगर किसी को कराना हो तो मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको करवा के दे सकता हूँ. ये क्रैंकसेट को यहाँ पर मैंने अपग्रेड किया है. ये फन रिच का क्रैंकसेट है एंड मैंने ये शार्पट्यून से परचेज़ किया है. 22 टूथ का चेनरिंग है इसका. बॉटम ब्रैकेट यहाँ पर हमें यूरो टाइप मिलता है जो फन के साथ में आता है, मीन्स क्रैंकसेट के साथ में आपको बॉटम ब्रैकेट मिलेगा एंड इसका लेंथ जो है वो 170 mm है. क्रैंकसेट अब तक का मेरी लाइफ में सबसे बेस्ट क्रैंकसेट है. ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये एंड बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी. मैंने इस पर काफ़ी बड़े ड्रॉप्स किए, बनी हॉप किया, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा इस पर. पैडल्स यहाँ पे हमें SG प्लेटफॉर्म पैडल मिलता है एंड इसमें स्पाइक्स होते हैं जो स्पेशली स्ट्रीट ट्रायल्स राइडिंग एंड माउंटेन बाइकिंग में यूज़ होता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा ग्रिप मिलती है. और यहाँ पे हमें चैन जो है वो KMC की तरफ से मिलता है, जो काफ़ी अच्छा ब्रांड है. यहाँ पे हमें चैन टेंशनियर दिया हुआ है जो चैन को टाइट रखता है और जिससे चैन लूज़ नहीं होती जल्दी. अगेन हमें यहाँ पर हाइपर डी बॉक्स की तरफ से रियर हब मिलता है एंड ये सील्ड हब है एंड इसमें 10 mm का थ्रू एक्सल है. 2 years में अब तक मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया इसमें. इसमें मैंने सेम G3 203 mm वाले रोटर्स यूज़ किए हैं एंड शिमानो SLX हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक यूज़ किया है. यहाँ पर मैंने रियर ब्रेक में कुछ चेंजेस किया है. इसका जो होस होता है उसको मैंने कम्प्लीटली उसकी किट चेंज किया है. शिमानो SLX इसका लीवर है एंड इसके अंदर जो होस किट होता है वो मैंने एलिगेटर का अपग्रेड किया है. रियर टायर मुझे यहाँ पर मैक्सिस होली रोलर मिलता है जो बाइक के साथ में आया था. 2 years में उसकी कंडीशन देखो कितनी अच्छी है एंड इसका साइज़ है 24x2.45. एंड गाइज, अगर आप डैनी मेगास्किल की ओल्ड वीडियोज़ देखोगे तो उसमें उन्होंने सेम यही टायर यूज़ किया है, मैक्सिस होली रोलर. एंड गाइस, जो ये बाइक है एंड ये स्पोर्ट्स है, ये यूनाइटेड किंगडम का स्पोर्ट्स है. ये इंडिया में आपको ये बाइक अवेलेबल कहीं पे भी नहीं मिलेगी एंड ये बाइक मैंने इंपोर्ट करवाया है एंड पूरे इंडिया में सिर्फ 5 स्ट्रीट ट्रायल्स राइडर है. एंड ये मेरी बाइक का कॉस्ट है 1,50,000 विद ऑल अपग्रेड्स. एंड अगर आप स्टॉक बाइक लेते हो तो वो अंडर 1 lakh आपको मिल जाएगी एंड उसमें बस शिपिंग एंड कस्टम ड्यूटीज़ अलग से लगता है. ओवरऑल मैंने ये बाइक 2 years से यूज़ करा हुआ है एंड अब तक मुझे इसमें कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं आया एंड ये बहुत बेस्ट बाइक है स्ट्रीट ट्रायल्स राइडिंग के लिए एंड इसका वेट भी सिर्फ 10 kg है. एंड गाइज, आप लोगों में से किसी को भी स्ट्रीट ट्रायल्स बाइक या फिर ट्रायल्स बाइक इंडिया में परचेज़ करना है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ये मेरा इंस्टाग्राम ID है Tabby Ansari.
और मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूंगा कि ट्रायल्स बाइक जल्दी कैसे ले, और उसके बाद मैं आपको कुछ ट्रिक्स सीखना है तो उसके लिए मैं ट्यूटोरियल्स वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।